नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। कान्हा चट्टी एसबीआई शाखा में बिचौलियों की चांदी करते हैं, मृत व्यक्तियों व किसी अन्य के खाते से अवैध निकासी। बैंक के कर्मचारियों से अच्छे तालमेल कर मोटी कमाई करते हैं बिचौलिए। 11 माह मृत व्यक्ति के खाते से निकला 11,000 रुपए, कैशियर की मिली भगत से हुआ निकासी। चतरा कान्हा चट्टी। कान्हा चट्टी एसबीआई शाखा में बिचौलियों की चांदी ही चांदी हो भी क्यों नहीं, जब बैंक कर्मचारी हो मेहरबान सरकारी योजनाओं का बिचौलिए किस तरह से लाभ उठा रहे हैं, इसका सबूत एसबीआई कान्हा चट्टी के वृद्ध पेंशन योजना में अवैध निकासी से हुई है। यहां के एक लाभार्थी के निधन होने के 11 माह बाद मृतक के खाते से 11,000 रुपए भुगतान कर दिया गया है। हालांकि मामले के खुल जाने पर आनन-फानन में पूरी धनराशि को मृतक के खाते में वापस जमा कर दिया गया है। मृत को भी जीवित करने की है ताकत। इस मामले ने बैंकों की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। राजपुर थाना क्षेत्र के सिंदूरियानवाड़ी गांव निवासी स्वर्गीय मनोहर ठाकुर वृद्धा पेंशन योजना के लाभार्थी थे। एसबीआई कन्हा चट्टी में वृद्धा पेंशन योजना का लाभ उठाते थे, लेकिन वर्ष 2020 में उनका निधन हो गया। उसके बाद भी उनके खाते में योजना की धनराशि जमा होती रही और मंगलवार को उनके खाते से 11,000 रुपए की अवैध निकासी कर दिया गया। 11 माह पहले मरे व्यक्ति के खाते से मंगलवार को 11,000 रुपए की निकासी हुई। मामला तब खुला जब बैंक में कुछ लोग लाइन में खड़े थे। कैशियर सतीश कुमार सभी के बीच में पैसा जमा निकासी का कार्य कर रहे थे। सिंदूरिया नावाडी के एक वर्ष पहले स्वर्गवास हुए व्यक्ति का नाम पुकारा जाता है, मनोहर यादव। सूत्रों के अनुसार मनोहर ठाकुर के जगह उसी गांव के धर्म सिंह ने अपना हाथ बढ़ाया। तब क्या था, बैंक में सिंदूरिया नावाडी के और लोग भी मौजूद थे। मामला का खुलासा होने में समय नहीं लगा। जब अवैध निकासी को लेकर बैंक में हल्ला गुल्ला शुरू हो गया, तब आनन फानन में राशि का भुगतान विड्रावल फॉर्म के माध्यम से कैशियर सतीश ने जमा कर दिया है। इधर इस संबंध में शाखा प्रबंधक धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि लाभार्थी के निधन की सूचना बैंक और संबंधित विभाग को नहीं थी, इसके कारण खाते में धनराशि आती रही। हस्ताक्षर मृतक के अंगूठे का निशान की तरह ही था, इस वजह से कैशियर से चूक के कारण भुगतान हो गया। हालांकि धनराशि वापस खाते में जमा करा दी गई है। शिकायतकर्ता ने बैंक कर्मी व कैशियर बिचौलियों के साथ मिलीभगत कर अवैध राशि की निकासी की जा रही है, उसने जांच की मांग की है। इस संबंध में शाखा प्रबंधक ने बताया बैंक के सीसी पोर्टल के माध्यम से निकासीकर्ता की पहचान की जाएगी, उसके बाद उसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज किया जाएगा। इधर कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि इस तरह का खेल अवैध निकासी का पूर्व से ही होता चला रहा है, जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। इधर बैंक कैशियर सतीश से पूछे जाने पर पहले वो इस बात से मुकर गया, लेकिन स्थानीय सन्मार्ग व नवीन मेल पत्रकार के साथ कुछ स्थानीय लोग ने मृतक के घर जाकर मामला का खुलासा किया व मृतक के मृत होने की सबूत उसके घर वालों से ली और बैंक मैनेजर धर्मेंद्र कुमार को सौंपी। जैसे ही बैंक में ये बात पता लगा, कैशियर से लेकर बिचौलियों तक का दिमाग ठनक गया। सूत्रों के मुताबिक कान्हा चट्टी व राजपुर बैंक में ऐसे बहुत से गिरोह चल रहे हैं जो मृत व असहाय लोगों का लिस्ट बनाकर बैठे हैं और कुछ सीएसपी बैंक के मदद से उनका सारा डेटा संग्रह कर बैंक कर्मियों के साथ मिलकर उनका पैसा निकासी कर लेते हैं। बैंक में नए मैनेजर के रूप में आए धर्मेंद्र कुमार ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मुझे इन बातों का कोई जानकारी नहीं है, जहां तक होगा अब से ऐसे कार्य नहीं होगा और फर्जी निकासी में सम्मिलित सभी लोगों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तथाचित लोग के अनुसार बैंक कर्मियों के मिली भगत से साल भर में लगभग ऐसे मामले हुए हैं जो सीसीटीवी फुटेज से प्राप्त हो सकता है। कुछ लोगों के पास तो वैसे लोग जिनके खाता से फर्जी निकासी हुई है उनका लंबा लिस्ट तैयार है।